कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास सरकारी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें वहां पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की दवाइयां एक्सपायर मिली जो अस्पताल में भेजी ही नहीं गई थी। इस पर ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए। साथ ही डिप्टी सीएम ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने दवाइयों के गत्ते से खुद दवा निकाली और उसकी एक्सपायरी चेक की। इस मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर हम गए थे। हमारे साथ जांच के लिए चिकित्सा विभाग के सचिव पुरंजल यादव जी भी गए थे। तो जांच में पाया गया कि कंप्यूटर में एक्सपायर्ड दवाइयों की जब सूची निकाली गई, पूरी तरह से जोड़ा गया तो 16 करोड़ 44 लाख से अधिक की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो गई जो वहाँ पर अभी गोदाम में थी। और दवाइयों को रख रखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। जिन दवाइयों को कूल एंड ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए उनको ओपन में रखा गया था और धूल बड़ी मात्रा में उन पर जमी हुई थी। पूरी प्रकरण की जांच के लिए ACS चिकित्सा विभाग को आदेश दिया गया है और प्रांजल यादव को हमने कहा है कि 3 दिन में इसकी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सियासी हंगामे के साथ साथ धर्मगुरुओं का भी बयान लगातार आ रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुल्ला रहमान ने कहा कि 1966 में एक एक्ट बना दिया गया तो उसके हिसाब से यह मामला नहीं उठना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और सारे मौलानाओं ने यह सब तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे चाहे जो आए। बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों ने फैसले माना और उसी के बाद एक्ट में तय किया गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई भी मुद्दा दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ये पूछना चाहता हूँ मुट्ठी भर उन मुट्ठी भर जो मुल्क की फजा को बर्बाद करना चाहते हैं, मुल्क की फजा को हर तरह से मिटाना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, तो वो उनको किसने हक दे दिया कि वो मुल्क के वातावरण को खराब करें। मैं ये समझता हूँ कि वो गलत इसलिए गलत है क्योंकि जब एक चीज तय हो गई है, एक दफा आपको एक चीज दे दी गई है और इसकी बुनियाद पर दी गई थी कि अब कोई मस्जिद का मसला नहीं उठेगा, तो इस तरह से उठना ये जो है। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर विरोध जताया। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा ने कहा कि जनता इसका जवाब 2024 के चुनाव में देगी। देखिए, अखिलेश यादव और ये समाजवादी पार्टी और इनका पूरा परिवार ये हमेशा सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि कहीं भी पत्थर रख के हिंदू धर्म और भगवा झंडा रख के वहाँ मंदिर बनाने की क्राम में अपने लग जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग करती है। इन्हें ये नहीं पता, इनकी बुद्धि मारी गई है। आज इनके पिताजी ने कार सेवकों पे जब गोली चलवाई थी तो इन्हें सत्ता से बाहर पब्लिक लोगों ने कर दिया, सनातन धर्म प्रेमियों ने कर दिया। और आज जब अखिलेश यादव भगवान भोलेनाथ का विरोध कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2024 में इनका पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का एक भी आदमी, मैं बता रहा हूँ। रायबरेली जिले के सलोन तहसील परिसर में शुक्रवार को प्रमुख सचिव के एक शासनादेश के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने पूरे तहसील परिसर में घूम घूम कर नारे लगाए। साथ ही प्रमुख सचिव प्रफुल्ल कुमार के द्वारा जारी किया गया समस्त जिलाधिकारियों को जारी एक शासनादेश जिसमें अधिवक्ताओं के लिए अराजक शब्द का इस्तेमाल किया गया उसी को लेकर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर हड़ताल की। अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी आशा राम वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। ये विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल का एक पत्र जारी हुआ है समस्त जिलाधिकारियों के नाम, जिसमें अधिवक्ता के लिए अराजक शब्द का प्रयोग किया गया है, लॉलेसनेस। और हम लोग कानून का पालन कराने वाले लोग हैं,
कानून को जानने वाले लोग हैं। बार काउंसिल के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन मुरादाबाद पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस की एक खेप बरामद की। साथ ही 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग के कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिजनौर में एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में 2 लोग दोषी पाए गए हैं और दोनों दोषियों की सजा का ऐलान कल होगा। बता दें कि गैंगस्टर कोर्ट में चली कार्रवाई के दौरान जैनी रिजवान तंजीम को अदालत ने बरी कर दिया। वहीं अपर जिला सत्र न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार तलियान के निर्देश पर दोषी मुनीर और रियान हिरासत में और सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट की कार्रवाई के दौरान एसपी ग्रामीण पुलिस क्षेत्र अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद एवं उनकी पत्नी के डबल मर्डर हत्याकांड में शातिर दुर्दांत अपराधी मुनीर एवं उसका सहयुक्त रैयान को हत्या के मामले में आज माननीय न्यायालय द्वारा सजा दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान कल यानी 21 तारीख को किया जाएगा। 21 अभियुक्त को कितनी सजा हुई, आज जो दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है जनपदीय पुलिस का शासन एवं प्रशासन डीजी मुख्यालय रेंज जोन के सघन पैरवी का परिणाम है। ज्ञानवापी मामले में लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद आज कानपुर में हिंदुवादी संगठनों के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और अशोक गहलोत का पुतला फूंका। इस दौरान भारत माता प्रतोम स्थल स्थित बड़े चौराहे पर एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ पार्टियों के नेता गलत बयानबाजी करके हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट कमिश्नर की ओर से कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे जाने के बाद दूसरे दिन जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जगह ना होने पर विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के बाहर जमा नमाजियों को लौटाया जाने लगा। वहीं इस दौरान करीब 100 से 150 की संख्या में धाम के गेट के पास इकट्ठा हो गए, फिर उनके लिए दोबारा गेट खोला गया। बता दें कि जुमे की नमाज के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बहुत गर्मी भी है और बूढ़े बच्चे सब लोग हैं, इसलिए सबकी सुविधा को देखते हुए आस पास भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, कहीं पे भी नमाज अदा की जा सकती है। सबकी सिक्योरिटी के लिए, सबकी सहूलत के लिए और मस्जिद का जो मैनेजमेंट है उसको सही रखने के लिए ये अपील की जा रही है, मतलब दिखाने के लिए कि हम लोग का वो है। इतना ऐसे कोई भीड़ नहीं होती रही, इसके पहले जब एक बार सर्वे हुआ था उस टाइम भीड़ होती थी, ऐसे कोई भीड़ नहीं होती थी। ये लोग मतलब बता रहे हैं कि हम लोग भी हैं अपने संख्या। एक साथ 100% समाज नहीं मानता, समाज कोई भी हो, किसी का हो, किसी भी धर्मगुरु की अपील पर 100% अमल नहीं होता। देखने वाली बात यह है कि जो लोग आए हैं वो किस मुद्रा में आए हैं, तो नमाज के लिए आए थे, मना किया गया तो शांतिपूर्वक वापस जा रहे हैं। मुरादाबाद में नगर निगम के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। साथ ही लोगों ने बताया कि नालियों में कचरा जमा हो गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। इस बारे में कई बार नगर निगम के अधिकारी और क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत की गई, मगर कोई भी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आते और कई महीनों से यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं हुई। समस्या यह है, हमने नगर निगम में कई बार शिकायत करी है और हमारी एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेकर रख लेते हैं, फिर एक आध कर्मचारी आता है, वो थोड़ी सी ऐसी पोलोथीन निकाल के और चला जाता है। बाकी ये समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है किसी तरीके की। ये साहब बहुत परेशानी से रहते हैं, हर बात बदबू है यहाँ पर, सब बच्चे परेशानी में, मच्छर वच्छर के हर बात, मच्छर है भाई, सो नहीं सकते, पूरी रात ऐसी हो जाती, कोई आके नहीं देखता है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं यहाँ की सफाई वगैरह हो जाए। बहुत पता नहीं, घर है हमारा, मच्छर आ रहा है, रातों को नींद नहीं आती, बच्चे दूसरी जगह सोने जा रहे हैं। देखिए आप क्या पोजीशन है नाली की, बदबू आ रही है, बदबू पूरी घर में फैल रही। तो हम शिकायत नहीं की आपने? क्या शिकायत करें बता दो रहे हैं, ये हमारे जिम्मेदार आदमी गुड्डू भाई,
इन्होंने बताया सब बातें, यही बेचारे करते हैं, कोई नहीं है। खबर कन्नौज से है, जहां विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल की अभद्र टिप्पणी पर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज अधिवक्ता संगठनों ने हड़ताल की। वहीं इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके अधिकारियों और स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है, जिसके बाद अब आक्रोशित बार व लॉयर्स एसोसिएशन ने तिरवा SDM गरिमा सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ये कहा गया है कि अधिवक्ता अराजक तत्व है, उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया। और नहीं, हम भी आहत हैं, यदि अधिवक्ता समाज पूरा आहत है, अधिवक्ता समाज को कोई अराजक तत्व थोड़ा ना, अधिवक्ता समाज देश के हित के लिए हमेशा, बातकारियों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है, गरीब और दलित लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। प्रफुल्ल कमल जी ने जो बयान जारी किया है या जो लेटर जारी किया है, उसमें बड़ी ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कि पूरे देश, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता आहत महसूस कर रहे हैं। और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा आह्वान पर आज समस्त जनपदों में, समस्त तहसील मुख्यालयों पर, हर जगह हम लोग स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पर हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सचिव महोदय को उनके लिए ये जारी करें, उनसे ये पूछें कि आखिर उन्होंने ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग सम्मानित। वही लखीमपुर खीरी में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जहां पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला जो अपनी लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रही है, और बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला पूर्व प्रधान है। वहीं इन दोनों का हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और पुलिस ने इन दोनों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां 25,000 के इनामी शाहिद के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, और मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया। बता दें, आरोपी को गिरफ्तार करते वक्त क्रॉस फायरिंग में आरोपी को गोली लग गई, जिसके बाद घायल को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गत माह एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लियाकत नाम का 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था, गिरफ्तार हुआ था। उसके साथ था, उस मुकदमे में भी वांछित चल रहा था। साहिब की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। आज एक पुलिस मुठभेड़ में, क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है तथा इलाजरत है, और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अलीगढ़ के गांधी पार्क के रोडवेज बस अड्डे पर बस से उतर रहे यात्री के जेब से एक शातिर चोर ने 30,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। इसी दौरान यात्री ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई करते हुए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, और चोर की पिटाई होते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी कर घर आई दुल्हन गृह प्रवेश पर तमंचे से फायरिंग करते नजर आ रही है। बता दें, इस मामले पर खंदौली पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि इतने दिनों बाद भी पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। रायबरेली में सड़क सुरक्षा को लेकर बैसवारा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लालगंज के कई मार्गों में पैदल मार्च करते हुए लोगों को जागरूक किया, साथ ही सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई। प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ सड़क सुरक्षा संबंधित रैली में भाग लेकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया।
इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।